महाविद्या कमला दसवीं व अंतिम महाविद्या मानी जाती हैं, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। देवी कमला को देवी का सर्वाधिक सर्वोच्च रूप माना जाता है, जो देवी का पूर्णता कृपामयी एवं दिव्य स्वरूप है। न केवल देवी कमला की देवी लक्ष्मी के साथ तुलना की जाती है, अपितु उन्हें देवी लक्ष्मी ही माना जाता है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कमला अपने स्वरूप के माध्यम से संपत्ति, समृद्धि, उर्वरता, उपज तथा सौभाग्य आदि प्रदान करती हैं। अतः देवी कमला धन एवं धान्य दोनों की देवी हैं। माता रानी का एक रूप माँ लक्ष्मी भी है। इसी रूप को प्रदर्शित करने के लिए माँ सती ने अपने कमला रूप को प्रकट किया था। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्भाषा के श्राप के कारण सभी देवता शक्ति विहीन हो गए। विष्णु जी के पास से लक्ष्मी जी भी चली गई। सारा जगत कांतिहीन हो गया। तब लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन में से कमल के फूल पर विराजमान कमला देवी का अवतरण हुआ।